हेलो गाइस, मैं हूँ माही। वेलकम बैक टू माय चैनल माही मेकओवर। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ पेडीक्योर कैसे करते हैं, क्योंकि पैरों का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं पूरा प्रोसेस आपको बताने वाली हूँ पेडीक्योर का। है हमारा पेडीक्योर शॉल्ट, जो कि हम इसमें गर्म पानी, क्योंकि इसको ना हल्का गुनगुने पानी में जो है मिक्स करना चाहिए। तो ये हमारा पेडीक्योर शॉल्ट है और मैं इसे पानी में डालूंगी थोड़ा सा। ये पानी में डाल दिया है, अभी आप देख सकते हैं मैंने इसे लाइट से कनेक्ट कर दिया है। इसमें हल्के हल्के बबल्स जो हैं वो आ रहे हैं और डेफिनेटली आपके पैर बहुत ही क्लीन होने वाले हैं। और मैं इसका फाइनल आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगी, तो आप देख के हैं इनके गंदे से पैर देख सकते हैं आप कितनी टैन हो रही है इनके पैरों में। ओह माय गॉड, ठीक है। तो आप और हम इनको बिल्कुल चमकाने वाले हैं पेडीक्योर से। अभी आप टिप कर लें अपने पैरों को पानी में, ठीक है। इसको 10 से 15 मिनट हम इस गर्म पानी में और डुबो के रखेंगे। इसमें मैंने सॉल्ट ऑलरेडी डाला हुआ है, तो इसका प्रोसेस मैं आपको पूरा बताती हूँ। पूरा तो नहीं ले सकती क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको छोटे छोटे क्लिप में ये दिखाती हूँ। ये है स्क्रब, ये है क्रीम और ये है पैक। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको पूरा पेडीक्योर का प्रोसेस जो है मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाती हूँ कैसे करना चाहिए। और आपको अपने पैरों की देखभाल ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो पूरा वेट होता है वो हमारे पैरों पे होता है। तो कोशिश करें सबसे ज़्यादा रिलैक्स जो है आप अपने पैरों को दें। पेडीक्योर मंथली कराएँ। देख सकते हैं इनके नेल्स कितने गंदे हो रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर नेल पॉलिश लगा के रखते हैं। और कभी कभी नेल्स को ओपन भी रखना चाहिए ताकि उनको रिलीफ मिले एटलीस्ट, क्योंकि हमेशा आप नेल पॉलिश लगा के रखेंगे तो नेल्स आपके डेफिनेटली डैमेज हो जाएंगे। ये है पुशर और इससे हम नेल्स को बहुत, जो भी इसकी गंदगी है जो नेल्स के साइड में भर जाती है और ऊपर की जो परत होती है उसको अच्छे से क्लीन करते हैं पुशर के जरिए। तो आप देख सकते हैं इनके नेल्स में कितनी गंदगी निकल रही है। आप देख सकते हैं इनके नेल्स की जो ऊपरी स्किन है वो बहुत ज़्यादा ही है, तो इसलिए हम इसे फाइलर्स के जरिए जो डेड स्किन है उसे हटा रहे हैं ताकि नेल अच्छे से क्लीन हो, साफ दिखें। और ये हम अब स्क्रब कर रहे हैं इनके पैरों का। स्क्रब बहुत अच्छे से करना है, जो भी टैन है वो अच्छे से निकल जाए। और ये हम क्रीम से मसाज कर रहे हैं इनके पैरों की। इनके पैरों में शाइनिंग आने लगी है, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत शाइन कर रहे हैं। फाइनल रिजल्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी, आप बने रहिए मेरे साथ। अब हमने पैक इनके पूरे पैर जो पैर है उस पर अप्लाई कर दिया है बहुत अच्छे से। और ये हम पैरों की मसाज कर रहे हैं। मसाज एक्चुअली बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि जितना भी पेन होता है वो हमारे पैरों में ही रहता है, क्योंकि हमारे पैर पूरी बॉडी का जो वेट है वो उसको मतलब वेयर करते हैं, उसको उठाते हैं। तो इसको बहुत आराम से करना होता, बहुत रिलैक्स करो ताकि मतलब आपके जो पैर का ब्लड सर्कुलेट है वो अच्छे से इंक्रीज हो और आपको रिलैक्स मिले और आपके पैर भी क्लीन हो जाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं पेडीक्योर अब हो चुका है और अब हम इनके नेल पॉलिश लगा रहे हैं सुंदर सा कलर। और पेडीक्योर का देख सकते हैं ये है हमारा फाइनल रिजल्ट, और रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग आया है। इनके पैर बहुत साफ हो गए हैं और इनको बहुत रिलीफ मिला है। इनके हल्का सा पेन भी था पैरों में, क्योंकि ये ऑफिस में जॉब करती हैं उसकी वजह से। तो अभी ये बहुत ही खुश हैं और ये कह रही है मेरे पैर का दर्द भी गायब हो गया है। तो आई विल मस्ट से टू यू कि आपको पेडीक्योर हर महीने कराना चाहिए, पैर तो क्लीन होंगे ही होंगे और आपके पैर की जो भी प्रॉब्लम है वो भी आपकी दूर होगी। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया पेडीक्योर का पूरा प्रोसेस बताया, आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर करिएगा। और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें
और प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि मैं जो नई वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।